नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और भावनगर शहर अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ एक आवेदन पत्र भेजने के लिए भावनगर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने सीधे हर माता पिता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाया और स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुत किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने अतिरिक्त कलेक्टर के पास एक आवेदन दायर कर निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को वापस लेने, दान की प्रथा को बंद करने और दान चाहने वालों के खिलाफ कार्रवाई, वर्दी की किताबें, कुछ दुकानों से नोटबुक खरीदने और माता पिता को FRC में सदस्यों के रूप में रखने की मांग की है। समिति ने ये भी संकेत दिया है कि अगर आने वाले दिनों में मांग पूरी नहीं हुई तो लोकतांत्रिक आंदोलन होगा। गुजरात में भाजप और कांग्रेस ना राज में जे रीते शिक्षण नो व्यापार चालू थयो छे, सरकारी शालाओं ने खाड़े नाखी ने सरकारी शालाओं ने बर्बाद करी ने भाजप कांग्रेस ना नेताओं नी प्राइवेट शालाओं चाली शके एवं जे षड्यंत्र करवामां आव्युं छे अने आ प्राइवेट शालाओं ना माध्यम थी वालीओ ने बेफामपणे जे लूटवामां आवी रह्या छे ए लूटनी विरुद्ध में ए शोषणनी विरुद्ध में आम आदमी पार्टीए प्रदेश कक्षाए थी एक रजूआत माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई ने बे दिवस पहला करेली। ए रजूआतना भाग स्वरूपे आज दरेक जिला मथके कलेक्टरशीना माध्यम थी सरकार सुधी अमे अमारी 5 मांगणीओ, जेमा पहली मांगणी छे के फी वधारो जे करवामां आव्यो छे प्राइवेट स्कूलनो एने पाछो खेंचवामां आवे, बीजी मांगणी छे के डोनेशन प्रथा बंद करीने जे डोनेशन मांगी रह्या छे एવા લોકો ઉપર સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવે। મારી ત્રીજી માંગણી છે કે જે પ્રાઇવેટ સ્કૂલો યુનિફોર્મ ખરીદવા માટે, બૂટ, મોજા, સ્વાધ્યાય પોથીઓ, પુસ્તકો વગેરે ખરીદવા માટે જે ચોક્કસ દુકાનેથી જ લેવામાં દબાણ કરવામાં આવે છે વાલીઓને, અને અમુક દુકાનેથી લઈ અને જે કટકી કમિશન કરવામાં આવે છે એની ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે। આ સિવાય મારી માંગણી છે કે FRC કમિટીની અંદર વાલીઓનું જે પ્રતિનિધિત્વ નથી એ વાલીઓનું પ્રતિનિધિત્વ વધારવામાં આવે, અને પ્રાઇવેટ સ્કૂલના જે શિક્ષકો અને એકેડેમિક સ્ટાફ છે એનું આર્થિક શોષણ બંધ કરવામાં આવે। તો અમારી આ 5 માંગણીઓ આજે અમે કલેક્ટરના માધ્યમથી ગુજરાતની સરકાર સમક્ષ મૂકી છે। આ માંગણીઓનું 7 દિવસમાં કોઈ વિચારવામાં નહીં આવે, ગંભીરતાથી આગળ વધવામાં નહીં આવે। દેખતી રહીએ ડીવી ભારતી સમાચાર, નજર હર ખબર પર।